हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया से स्पॉन्ज की रेसिपी। आप चाहे तो किसी भी केक बनाने के लिए इस तरह के स्पॉन्ज की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और आज हम लोग ये केक बनाएंगे बिना दही के, बिना दूध के, बिना ओवन के, बिना अंडे के, बहुत सारी चीज़ों के बिना हम लोग ये केक बनाएंगे। आज हम लोग पानी से ये केक बनाने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये केक बनता है, तो रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करना। और ये रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए ये केक बनाना शुरू करते हैं। पहले गाइस, बैटर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक बाउल में लेंगे पानी आधा कप। तो पानी से केक बनाने जा रहे हैं तो पानी तो लगेगा ही। पानी आधा कप मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल। और इसी में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1/2 कप पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। और बस अब ये जो तीनों चीज़ें हमने मिलाई है उन्हें हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है, ताकि ये जो चीनी हमने इसमें यूज़ की है ना, वो अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। तो 4 से 5 मिनट तक मैं इसे इसी तरह से फेंट लेती हूँ, इस तरह से विस्कर से। 4 से 5 मिनट फेंटने के बाद हम लोग इसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक स्टील की छन्नी रख दी है। इसमें मैं यहाँ पर डाल देती हूँ गाइस 1 कप मैदा। अगर आप सूजी से या गेहूँ के आटे से ये केक बनाना चाहते हैं तो मैदे की जगह पर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी इसमें डाल दिया है। अब बस इन सारी चीज़ों को भी हमें इसमें छान लेना है। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे स्किप मत कीजिएगा। इससे आपका केक ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनने में मदद होती है। तो चलिए, अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब विस्कर की मदद से हम लोग इसे हल्के हाथ से फेंट लेंगे। और हाँ, एक ही डायरेक्शन में आपको इसे इस तरह से फेंटना है, मिलाना है। आज हमने यहाँ पर ना ही दही का यूज़ किया है और ना ही अंडे यूज़ किए हैं, कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं किया है, सिर्फ पानी से हम लोग आज ये केक बना रहे हैं। और बहुत ही परफेक्ट सा सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये स्पॉन्ज बनता है। आपको अगर किसी भी फ्लेवर का केक बनाना है तो आप इस तरह का स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बैटर इस तरह से तैयार हुआ है। अब मैं यहाँ पर आज ये पाइनएप्पल फ्लेवर का स्पॉन्ज बनाने जा रही हूँ। तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून या 3 से 4 ड्रॉप्स ये लिक्विड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। येलो फूड कलर डाल दिया है और ये 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल देती हूँ पाइनएप्पल एसेंस। अब इसे भी हमें बस इसमें मिक्स करना है। ये कलर बिल्कुल ऑप्शनल है गाइस, अगर आप यहाँ पर बिना कलर के इसे बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। और अगर आप ये वनीला फ्लेवर का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर की जगह पर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। मैंने इसमें अलग से बिल्कुल भी पानी या दूध वगैरह ऐड नहीं किया है। 1/2 कप पानी से ही हमारा इस तरह का बैटर तैयार हो जाता है। तो हमारा बैटर तैयार है। अब बस लास्ट में इसमें हमें एक चीज़ डालनी है, उसके बाद हम लोग केक को बेक करने के लिए डाल सकते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी इससे ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही गाढ़ी। तो लास्ट में हम लोग इसमें डाल देंगे गाइस 1 टीस्पून विनेगर। और बस विनेगर डालने के बाद हम लोग इसे हल्के हाथ से मिला लेंगे। तो विनेगर डालने के बाद देख सकते हैं हल्का सा थोड़ा सा इसमें बबल्स आ चुके हैं। अगर आप विनेगर का यूज़ नहीं भी करना चाहते तो आप यहाँ पर 1 टीस्पून नींबू का रस या लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस विनेगर डालने के बाद हल्के हाथ से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। विनेगर या नींबू का रस डालने के बाद आपको इसे फटाफट से टिन में डालना है। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। तो बस ये जो टिन है गाइस, 6 इंचेस का टिन मैंने यहाँ पर लिया है। इसमें ये सारा बैटर मैं डाल देती हूँ। विनेगर डालने के बाद अगर आप इस बैटर को 8 या 10 मिनट के लिए भी रखते हैं तो विनेगर की जो पावर होती है गाइस, वो डीएक्टिवेट हो जाती है और आपका केक अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। तो आपको ये काम फटाफट से करना है। तो चलिए, सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद बस 3 से 4 बार आपको इसे इस तरह से टैप करना है ताकि जो एक्स्ट्रा एयर है ये इसमें से निकल जाए। अब ये बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर इसे बेक करने के लिए मैंने ये जो कढ़ाई है गाइस 10 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दी थी। इसके नीचे मैं इस तरह से एक स्टील का स्टैंड डाल देती हूँ। नमक या रेत वगैरह आप अगर डालना चाहते हैं तो नीचे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर
रेत, नमक कुछ भी यूज़ नहीं किया है। इस स्टील के स्टैंड के ऊपर मैंने रख दिया है ये केक टिन। और हाँ, चाहे तो आप कढ़ाई की जगह पर किसी भी तरह का बड़ा सा कुकर, बड़ा सा पतीला भी यूज़ कर सकते हैं इसे बेक करने के लिए। चलिए, इसके ऊपर मैंने प्लेट रख दी है, अब हम लोग इसे 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तो पूरे 35 मिनट कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं गाइस, देख सकते हैं हमारा स्पॉन्ज कितना बढ़िया सा फूल चुका है, राइस हो चुका है। और हमने आज इस केक को बनाने के लिए बिल्कुल भी दूध, दही, अंडे या ओवन का भी इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए, अंदर टूथपिक डालकर मैंने देख ली है, अंदर तक अच्छी तरह से ये केक बेक हुआ है। तो चलिए अब इसे हम लोग बाहर निकालकर पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। और आप इसे ठंडा होने के बाद अपनी मन चाहे आइसिंग से, मन चाहे डेकोरेशन से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये पानी से बने हुए केक की रेसिपी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी लगी है, हमेशा की तरह हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर। और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और नई नई ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल बटन या घंटी का बटन है ना, उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।